हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी आर्ट ट्यूटोरियल्स विद कुमुद। और आज की वीडियो में मेरा एक ही ओल्ड वॉलेट है जिसका मैं मेकओवर करूँगी, इसको पेंट करूँगी। और इसको मैं पेंट करने वाली हूँ मधुबनी स्टाइल में। तो देखिए वीडियो में कैसे किया है मैंने ये। सबसे पहले तो ये जो पर्स है, इसको जो भी पीयू लेदर का ये पर्स है, तो इसको हमें क्लीन करना है, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी डस्ट या कोई पॉलिश वगैरह होगी तो वो पेंट को उस पर टिकने नहीं देगी। तो इसलिए यहाँ पर ये स्पिरिट आती है, क्लीन स्पिरिट, आइसो प्रोफाइल अल्कोहल कहते हैं इसे। तो ये किसी भी केमिस्ट पे आपको मिल जाएगा, उससे आप इसे पहले क्लीन कर लीजिए अच्छे से। फिर अब मैं इस पर जैसो अप्लाई कर रही हूँ। अगर आपको कोई हिस्सा कुछ पेंट नहीं करना है और आपको डर है कि उस पर पेंट ना, उस पर ये जैसो या पेंट ना लग जाए, तो आप उस पर मास्किंग टेप से उसको कवर कर सकते हो। अब यहाँ पर मुझे पूरा करना था, सिर्फ चेन के हिस्से को छोड़ के मेरे को पूरा इसे पेंट करना है। तो मैंने पूरे पे जैसो अप्लाई किया है, एक कोट जैसो का अप्लाई किया है और एक कोट एक्रेलिक वाइट कलर का। और मैं यहाँ पर फेविक्रिल के एक्रेलिक कलर्स यूज़ कर रही हूँ। अब इस पर हम लोग अपनी ड्राइंग बनाएंगे। और ये मैंने एक पीकॉक का कटिंग कर लिया है। मतलब पहले आप एक पेपर पर ड्रॉ कर लीजिए अपना जो भी है कटआउट, तो उससे ये होगा कि आप ईजिली इस पर प्रिंट कर सकते हैं, ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक पीकॉक का मैंने कटआउट कट किया है और लोटस का किया है। तो यहाँ पर मैं बीच में ये पीकॉक बनाऊँगी और दोनों साइड में लोटस। और ये मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ पर्स के ऊपर पेंटिंग करना। तो अब देखते हैं ये कल चलता है कि नहीं चलता है और ये टिकता है कि नहीं टिकता है। इसके बाद पूरा पेंट होने के बाद फिर मैं इस पर वार्निश भी अप्लाई करूँगी। तो अगर बाद में कोई दिक्कत आती है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आप फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको और भी आर्ट एंड क्राफ्ट के वीडियोस मिल सके। और जो भी मैं आर्ट एंड क्राफ्ट या पेंटिंग्स वगैरह कर रही हूँ, वो मैं खुद ही सीख रही हूँ। मेरी हॉबी थी स्कूल टाइम में, तो अब उसको मैं पॉलिश कर रही हूँ और अपने आप ही करती हूँ। तो आप प्लीज़ सजेशंस भी दीजिएगा कि आपको कैसे लगती हैं मेरी ड्राइंग्स या मेरे आर्ट या क्राफ्ट, और अगर उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ तो वो भी बताइएगा। आ रहे हैं तो मधुबनी में सबसे पहले जो भी आउटलाइन होती है वो हमेशा ब्लैक से होती है, ब्लैक कलर से। तो यहाँ पर मैं 000 नंबर का ब्रश यूज़ कर रही हूँ आउटलाइन के लिए। और जो एक्रेलिक कलर है, ब्लैक एक्रेलिक कलर में थोड़ा सा वाटर आप मिलाकर उसको हल्का सा डाइल्यूट कर लीजिए। या कोई भी पर्स पे आप पेंटिंग जब भी इसमें करते हैं, मैंने एक्चुअली सर्च किया था कि क्या क्या चीज़ें हमें पॉइंट दिमाग में रखनी चाहिए। तो उसके लिए जो भी आप पेंट यूज़ करते हैं एक्रेलिक वगैरह, तो वो थोड़ा सा डाइल्यूट होना चाहिए जब आप प्यू लेदर पे पेंट कर रहे हो, ताकि वो एब्जॉर्ब कर ले लेदर। अगर आप मोटी परत करेंगे उसको बिना डाइल्यूट करे पेंट को यूज़ करेंगे, तो उस पर फिर वो क्रैक्स आ सकते हैं पेंट पे। तो इसलिए वैसे भी आउटलाइन करने के लिए जब भी हम मधुबनी चाहे पेपर पे कर रहे हो, कपड़े पे या फिर कैनवास पे, आपको पेंट को हमेशा डाइल्यूट करना पड़ता है ताकि वो ईजिली आप ब्रश से उसकी आउटलाइन कर सकें। तो पूरी आउटलाइन कर लूँगी मैं इसको ब्लैक से। और अगर आपके पास जैसो नहीं है तो आप डायरेक्ट एक्रेलिक, वाइट एक्रेलिक भी यूज़ कर सकते हैं। पर मैंने जैसो इसलिए किया है कि शायद जैसो से ये थोड़ा और अच्छे से पेंट हो जाए, इसलिए मैंने जैसो यूज़ किया है। नहीं तो पहले आपने देखा होगा इसमें वीडियो में, जब मैं क्लीन कर रही थी पर्स को, तो उससे पहले मैंने जो पीछे बैक में जो वाइट कलर कर रखा था, वो वाइट एक्रेलिक यूज़ करके देखा था मैंने पहले कि वो हटता है कि नहीं हटता है, तो नहीं हटा है। तो आप वाइट एक्रेलिक भी कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट पेंट भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट क्लीन करने के बाद। अभी यहाँ पर मैंने ये डिज़ाइन बनाई है और नीचे थोड़ा सा बॉर्डर बना दिया, फिश का बॉर्डर। और नीचे जहाँ पर दिखता है, अंदर पेंट नहीं करूँगी क्योंकि अंदर पेंट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी कवर ही रहेगा। यहाँ नीचे की तरफ मैंने लोटस का बॉर्डर बनाया है और उसी स्टेंसिल्स को यूज़ करके ये लोटस बनाए हैं। एक्चुअली सॉरी, ये स्टेंसिल्स को यूज़ करके लोटस नहीं बनाया है, ये मैंने पेंसिल से ही ड्रॉ करे हैं। और आप चाहें तो उसको ही उसी कटआउट को यूज़ कर सकते हैं।
या आप अपनी मर्जी का कोई और बॉर्डर भी बना सकते हैं, बट ये ध्यान रखिए कि वो उससे रिलेट करता हो, जो आपने ऊपर ड्राइंग बनाई हुई हो उसी से रिलेट करता हो बॉर्डर। अगर आपको, मैंने थोड़ा सा फास्ट किया हुआ है वीडियो क्योंकि फिर बहुत बड़ा वीडियो बन रहा था, और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप सेटिंग्स में जाके उसको स्लो करके समझ सकते हैं कि किस तरह से मैंने ये ड्रॉ किया है। अब ये पीछे की तरफ मैं ड्रॉ कर रही हूँ, इसे फ्री हैंड ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पर ये सबसे पहले बॉर्डर कर रही हूँ छोटा सा। बनाएंगे जो फिश वाला बॉर्डर होता है वो ऐसे ही बनता है, बहुत इजी होता है। अब ये जो पीकॉक की जो स्टेंसिल थी उसमें से मैंने एक साइड से जो पंख है वो काट दिया, तो उससे ये क्या बन गया, ये स्वान बन गया है, स्वान या डक आप जो भी समझ लीजिए। तो वो यहाँ पर मैं करूँगी, बीच में मैंने फ्लावर बनाया है यहाँ पर। अब ये फ्लावर मैंने पहले बना लिया था तो ये बिल्कुल सेंटर में नहीं है, तो अब मेरे को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ रहा है इसको रब करके। और इसमें इजीली ये जो भी पेंट या जैसे पे आप पेंसिल, हल्की पेंसिल आप अप्लाई करिए, आप दबा के मत करिए क्योंकि फिर वो रब करने में बहुत मुश्किल होगा। हल्की पेंसिल से अगर आप ड्रॉ करेंगे कुछ भी तो अगर कुछ गलत होता है तो आप इजीली उसको रब कर सकते हैं इरेजर से। ये जो मेरा वॉलेट था ये तो स्ट्रेट था, तो इसमें कुछ भी अंदर रखने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आप किसी स्लिंग बैग या किसी और पे पेंट कर रहे हैं तो आप उसके अंदर कुछ स्टफ़ कर दीजिए, कपड़ा, कोई भी पुराना कपड़ा या फिर न्यूज़पेपर वगैरह स्टफ़ करके उसको, जो सरफेस है उसको बिल्कुल स्ट्रेट कर दीजिए ताकि इवन सरफेस हो जाएगा, तो आपको ड्रॉ करने में और पेंट करने में ईजी रहेगा। अब यहाँ पर भी आउटलाइन कर लिए मैंने, अब पूरे पे आउटलाइन हो गई, अब हम इसमें कलरिंग करेंगे। अब ये यहाँ पर आप नोटिस कर रहे होंगे कि मैंने इसके पर्स के नीचे कुछ रख लिया है, कार्डबोर्ड या ड्राइंग की कॉपी रख ली है, क्योंकि ये थोड़ा सा डर्टी हो रहा था क्योंकि वाइट सरफेस किया हुआ है हमने, तो नीचे से थोड़ा सा डर्ट उस पर लग रहा था, तो इसलिए आप कुछ भी नीचे कुछ पेपर वगैरह, क्लीन पेपर वगैरह कुछ भी बिछा लीजिए ताकि ये वो गंदा ना हो। अब ये कलरिंग करना, ये सबसे पहले पिंक कलर कर रही हूँ मैं ऊपर के लोटस में, और इन कलर्स को भी मैंने थोड़ा सा डाइल्यूट किया है वाटर के साथ, मतलब ज़्यादा भी पतला मत करिए और ज़्यादा भी गाढ़ा नहीं, ताकि ईजिली जो फाइन ब्रश होता है, जो आउटलाइन ब्रश होता है वो ईजिली चल सके, इतना आप उसको थिन करिए। तो ऐसा भी, इतना भी ज़्यादा पतला मत कर दीजिए कि वो रनी हो जाए, मतलब आप कलर कर रहे हो और वो बह रहा है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कर रहे हैं, मतलब सीख रहे हैं मधुबनी पेंटिंग, तो आप, मैं पहले भी अपने एक दो वीडियोस में बता चुकी हूँ कि मधुबनी में हमेशा हम प्राइमरी कलर्स यूज़ करते हैं, कभी भी मिक्स कलर्स यूज़ नहीं करते, क्योंकि मधुबनी एक फोक आर्ट है, तो पहले के लोग खुद से कलर्स बनाते थे, जो नेचुरल कलर्स होते थे, जैसे हरे पत्तियों से हरा रंग, पीले फूलों से पीला रंग, तो इस तरह से कलर्स बनाते थे, तो इसलिए उसमें कोई भी शेडिंग नहीं दी जाती है मधुबनी में, और कोई भी जो मिक्स कलर्स होते हैं वो यूज़ नहीं होते हैं, जैसे कि पर्पल यूज़ नहीं करते हैं हम, जो प्राइमरी कलर्स हैं वही यूज़ करते हैं, जैसे कि रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, तो इसीलिए इसमें आप देखेंगे कि जो मैंने कलर्स यूज़ करे हैं वो सिंपल कलर्स यूज़ करे हैं, तो यही मधुबनी को एक फोक लुक देता है। अगर आप इसमें शेडिंग्स वगैरह यूज़ कर देंगे तो वो मधुबनी नहीं होगी, वो मिक्स आर्ट फॉर्म हो जाएगी।